स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है, यहाँ डकैती की योजना बना रहे तीन युवकों को एक लोडेड देसी पिस्तौल, एक लोडेड देसी कट्टा कारतूस एवं एक टीवीएस अपाची, चार मोबाइल और एक फिनो पेमेंट बैंक के पॉस मशीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अंतर्गत दर्ज कई कांडों के वांछित अपराधियों के धर पकड़ के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम को गुप्त सूचना मिली कि सिंहेश्वर थाना अंतर्गत इटहरी वार्ड नंबर 1 में एक सुनसान जगह पर बने घर में कुछ अपराधियों के द्वारा अप्रिय घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। वहीं सूचना के सत्यापन कर कार्रवाई करने पुलिस पहुंची टीम को देखते ही वहां मौजूद 5-6 अपराधी भागने लगे। यहां पुलिस सदर अवर निरीक्षक हबीबुल्ला अंसारी द्वारा दल बल के साथ इटहरी वार्ड नंबर 1 के ही 3 अपराधी रोशन कुमार, प्रीतम कुमार और पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, गोली, बाइक व अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि छापेमारी में सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी संजीव कुमार की अहम भूमिका रही है, जिसके लिए वे स्वयं तो उन्हें पुरस्कृत करेंगे ही साथ ही विभाग को इन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी किया जाएगा। अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से तलाशी में एक देसी पिस्तौल मिला है, मैगजीन सहित एक देसी कट्टा मिला है, 5 जिंदा कारतूस मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिली है, 4 मोबाइल मिले हैं और एक फिनो पेमेंट बैंक की POS मशीन भी इन लोग के पास से मिली है। कल सिंहेश्वर थाना को गुप्त रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कुछ अपराधियों के बारे में। उसके सत्यापन करने के लिए STPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने तुरंत छापेमारी की और रंगे हाथों इन 3 अपराधियों को हथियार सहित योजना बनाते हुए अरेस्ट किया गया है। इन्हें 3 को जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में पता चला है कि इसमें से जो एक अपराधी था रोशन कुमार, ये CSP का भी संचालन करता था और कुछ ही दिन पहले इसने ये CSP बंद भी कर दिया है। ये जो POS मशीन मिली है ये उसी CSP में इस्तेमाल होती थी, तो हम लोग को इस बात का शक है कि ये संभवतः ये लोग किसी CSP को लूटने की योजना बना रहे थे। लेकिन बहुत ही सराहनीय काम ये हुआ है कि सूचना के आधार पर ससमय इन लोग को अरेस्ट कर लिया गया है, हथियार भी मिला है, तो एक अपराध की घटना कारित होने से रोक ली गई है। इसके लिए STPO सदर और सिंहेश्वर थाना ने काफी अच्छा काम किया है, तो मैं अपनी तरफ से भी इनको पुरस्कृत करूंगा।